गुजरात के सूरत में एक मनी ट्रांसफर ऑफिस में बंदूक की नोक पर लूटपाट हुई। लूटपाट की इस वारदात को चार हथियारबंद बदमाशों ने अंजाम दिया है। लुटेरे लाखों रुपए लूटकर फरार हुए हैं। लूटपाट की पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। लुटेरों की तलाश में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। यूपी के मोदी नगर में पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच से करोड़ों की चोरी हुई है। चोर बैंक की छत को तोड़कर अंदर घुसाए और सारे लॉकर्स को तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी हुई है। चोरी की खबर लगते ही बैंक पहुंचे लॉकर ग्राहकों ने जमकर हंगामा किया। ग्राहकों ने बैंक के अफसरों पर कोताही बरतने का आरोप लगाया है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश जारी है। राजस्थान के चूरू में चोरों ने एक ज्वेलरी शोरूम से सोने के गहनों पर हाथ साफ कर दिया है। ज्वेलरी देखने के बहाने पहुंची ये चोर 100 ग्राम से ज्यादा सोना लेकर चलते बने। चोरों में 2 महिलाएं भी शामिल थी। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि चोर की सफाई से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि चोरी की वारदात 4 जून को यहां के सालासर धाम में हुई है। यूपी के संभल में एक बेटे ने अपने पिता और बहन को 3 दिन तक बंधक बनाए रखा। संपत्ति विवाद को लेकर बेटे ने इस करतूत को अंजाम दिया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बाप बेटी को आरोपी की कैद से छुड़ाया। हालांकि पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर दबंगों की दबंगई देखने को मिली। यहां के कार सर्विस गैराज में कार ठीक कराने पहुंचे दबंग बगैर पैसा चुकाए कार लेकर चलते बने। इस दौरान आरोपियों ने गैराज में तोड़फोड़ की और कर्मचारी को बंधक बना लिया और वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया। गैराज मालिक के मुताबिक कार को ठीक करने में 10 लाख का खर्च आया था। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी दबंगों की तलाश शुरू कर दी है। एमपी के ग्वालियर में बाइक सवार लुटेरों ने 10 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया है। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का कर्मचारी जैसे एक निजी बैंक की शाखा से पैसे निकालकर बाहर आया, घात लगाए लुटेरे उसका बैग छीनकर फरार हो गए। ग्वालियर में एसपी दफ्तर के बाहर हुई लूटपाट की इस वारदात से शहर के कारोबारी दहशत में है। हालांकि पुलिस जल्द ही लुटेरों को पकड़ लेने का दावा कर रही है। पंजाब के बटाला में 25 साल के युवक की लाश मिली है। लाश युवक के एक दोस्त के घर से मिली है। घर वालों ने मृतक के दोस्त और उसकी पत्नी पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतक 2 दिन से घर से लापता था। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक के दोस्त और उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया है। हरियाणा के फतेहाबाद के धारसूल गांव में जमीन को लेकर एक ही परिवार के 2 गुटों में झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान हुई फायरिंग में 2 भाइयों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। हत्या के आरोप में कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। उत्तराखंड के देहरादून में बेखौफ बदमाशों ने सीआईएसएफ के एक अफसर के घर में डकैती की है। घर में घुसे नकाबपोश बदमाशों ने सीआईएसएफ इंस्पेक्टर के परिवार के लोगों को बंधक बना लिया, जिसके बाद जमकर घर में लूटपाट की। लुटेरे घर से पैसा, गहने और कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। लूट की वारदात के बाद से पूरे इलाके में दहशत फैली हुई है। बिहार के दानापुर में आपसी रंजिश में 2 गुटों में फायरिंग हुई है। 5 राउंड चली फायरिंग में 3 लोग घायल हुए हैं। यहां के सगुना मोड़ के पास हुई फायरिंग की इस वारदात के आरोप में पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा है।